सहायक सांख्यिकी अधिकारी की मौत का मामला, पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ जुटाए साक्ष्य। जांच अधिकारी एसआई सुरेश रोलन पहुंचे डिपो। घटना के चौथे दिन मौके से मिली एक संदिग्ध पुड़िया, जिसे भी पुलिस ने जब्त किया, साथ ही मौका देखा। डिपो मैनेजर गणेश शर्मा भी रहे इस दौरान मौजूद। चेतन मिश्रा की हुई थी 26 जुलाई को मौत। डिपो मैनेजर समेत 5 कर्मचारियों पर है हत्या का आरोप। झुंझुनू के रोडवेज डिपो में कार्यरत सहायक सांख्यिकी अधिकारी चेतन मिश्रा की मौत के मामले में पुलिस ने आज एफएसएल की टीम के साथ डिपो पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इस दौरान जांच अधिकारी एसआई सुरेश रोलन के अलावा एफएसएल की टीम तथा डिपो मैनेजर गणेश शर्मा भी मौजूद रहे। जिस कमरे में चेतन मिश्रा बैठा करते थे, उस कमरे से काफी साक्ष्य उठाए गए। वहीं कमरे की खिड़की के बाहर भी घटना के चौथे दिन पुलिस को एक संदिग्ध पुड़िया मिली है, जिसे भी जब्त किया गया है। माना जा रहा है कि इस पुड़िया में जहर है, लेकिन अभी ये पुलिस जांच का विषय है। इसके अलावा मौका मुआयना किया गया। वहीं मौके को लेकर डिपो मैनेजर गणेश शर्मा से भी पूछताछ की गई। एसआई सुरेश रोलन ने बताया कि मृतक परिवार के लोग अभी शोक सभा में हैं। ऐसे में उनके आने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 26 जुलाई को सहायक सांख्यिकी अधिकारी चेतन मिश्रा की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई द्वारा डिपो मैनेजर गणेश शर्मा के अलावा 4 कर्मियों पर मारपीट कर उसके भाई की हत्या करने केस दर्ज करवाया गया है, जिसमें कनिष्ठ सहायक मंजूबाई, बाबू प्रीतम, सुरेंद्र व अजय के नाम शामिल हैं।